प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में डीनोटिफाई किए गए स्कूलों व संस्थानों के विरोध में लोगों का रोष देखने को मिल रहा है। चंबा जिले की ग्राम पंचायत सराहन और गुवाड़ के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रान को डीनोटिफाई करने के विरोध में ग्रामीण लोगों ने रोष जताया। जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से मिला और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। उन्होंने सरकार से दो दिन के भीतर अपना फैसला वापस लेने तथा स्कूल को दोबारा शुरू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हमने उपायुक्त चंबा के माध्यम से एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भेजा है, जिसमें शनिवार को जो है हमारा जो ग्राम पंचायत सराहन के अंदर जो है एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड पूर्व सरकार के वक्त किया गया था उसको जो डीनोटिफाई किया गया है, इस विषय में हमने ज्ञापन सौंपा है और उसमें उस ज्ञापन के माध्यम से हमने दो दिन का समय जो है वो सरकार को दिया है कि उस विद्यालय को रीनोटिफाई किया जाए, क्योंकि जहाँ सरकार का जो है एक विषय है उन्होंने 25 छात्रों की जो संख्या एक रखी थी कि 25 छात्रों से अगर काम होंगे तो वो स्कूल बंद होगा, लेकिन हमारे जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रान है वहाँ पे जो 48 बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इस विद्यालय को रीनोटिफाई किया जाए, अन्यथा जो है दो दिन के बाद जो है हम उसी स्थानीय जो विद्यालय है उसी विद्यालय के भवन के जो प्रांगण है उस प्रांगण में हम धरना करेंगे और धरना वो तब तक जारी रहेगा जब तक जो स्कूल हमें वापस नहीं मिलता।